और अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय, जहां पे बैठकों का दौर जारी है और इसी के चलते तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ देर पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में पहुंचे थे। आपको बता दें, लगातार दो दिनों तक ये संगठनात्मक बैठक होगी, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। अभी कुछ समय पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी वहां पर पहुंचे हैं। इस बैठक में प्रभारी राधामोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा इन बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो हरियाणा के दौरे पर चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दो दिनों तक संगठनात्मक बैठकों का दौर चलेगा, पार्टी के नजरिए से देखें तो ये बैठक कितनी खास हो सकती है? देखिए, बिल्कुल काफी अहम बैठक है और दो दिन तक ये बैठकों का दौर चलेगा। पहली बैठक बाजपा मुख्यालय में शुरू हो गई है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राधामोहन अग्रवाल जो कि प्रदेश प्रभारी है, वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बैठक में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। और संयोजक जो सदस्य अभियान के हैं, अरुण चतुर्वेदी, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और तमाम जो सदस्य अभियान के जिम्मेदार हैं या यूं कहा जाए पदाधिकारी हैं, जिनको अलग अलग टास्क दिए गए हैं, उन तमाम लोगों से यहाँ पर संवाद होगा। बड़ी बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान से 125 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर लिया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये जो बैठक है, ये कहीं ना कहीं इस टास्क को पूरा करने के लिए काम यहाँ पर करेगी। तमाम जो पदाधिकारी एक मंथन करेंगे। पहले फेज और पहले चरण को अगर देखा जाए तो 20 लाख सदस्य बनना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचने वाला था, लेकिन अब दूसरे फेज के अंदर रफ्तार पकड़े सदस्य अभियान, रफ्तार पकड़कर 125 करोड़ का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा कैसे किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। यहाँ पर पार्टी के जो पदाधिकारी है, वो श्रद्धांजलि देते हुए पार्टी के दिवंगत नेताओं को, और हाल ही में जिस तरह से जो पूर्व विधायक थी जोधपुर से सूर्यकांत व्यास, उनको इनके निधन पर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, और पार्टी के जो जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि नेता होते हैं, उनके दिवंगत होने पर उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। और अब यहाँ पर बैठक जो शुरू होगी, उसके अंदर चर्चा होगा, राय मशवरा होगा, विचार विमर्श किया जाएगा, और फिर साथ देने का काम यहाँ से होगा कि अब इस लक्ष्य को पूरा कैसे किया जा सकता है, लक्ष्य में किस धुरी के तहत काम हो सकता है और कहाँ पर कमी खामी रही, क्योंकि समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी कि पहले एज में 20 लाख सदस्य ही क्यों बन पाए हैं, उसके बाद में समीक्षा करते हुए कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। कमियों को दुरुस्त करने के लिए ही संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहाँ पर आए हैं, और प्रदेश प्रभारी का 4 दिनों से प्रवास यहाँ पर रहेगा। इसमें जयपुर के पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे, विधायकों से मुलाकात करेंगे, और उनके जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं उनसे संवाद करते हुए एक लाइन खींची जाएगी कि धुरी की धुरी पर पार्टी जो है वो आगे यहाँ पर बढ़ सकती है। आम जानकारी के लिए तो बता दें, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी हो गया है, जहां लगातार दो दिनों तक संगठनात्मक बैठकें होंगी। आपको बता दें कि प्रभारी राधामोहन अग्रवाल सहित इस बैठक में कई नेता मौजूद रहेंगे। दिनों तक संगठनात्मक बैठकें होंगी। आपको बता दें, प्रभारी राधामोहन अग्रवाल सहित कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है, जहां पर राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में कई बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से। जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं।
आपको बता दें कि लगातार बीजेपी का सदस्यता महाअभियान भी जारी है। जहां बैठकों का ये दौर जारी है, आपको बता दें बीजेपी के बैठकों का दौर जारी है। लगातार 2 दिनों तक संगठनात्मक बैठक होगी। मेजोरिटीज का मैं सरवण जी बगरी और विजेंद्र जी पूनिया उनसे आग्रह करता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे राधा मोहन दास जी जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं उनके स्वागत के लिए नाहर सिंह जी जोधा प्रदेश उपाध्यक्ष और अजीत जी मानल प्रदेश मंत्री उनसे आग्रह करूंगा माननीय राधा मोहन दास जी का स्वागत अभिनंदन है। श्री जितेंद्र जी कोटवाल साहब से मैं आग्रह करूंगा और साथ ही रक्षा बंधन जी से आग्रह करूंगा कि ऋतुराज जी सिन्हा हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन है। श्री चंपालाल जी गैदर और अमित कामेवाली से आग्रह करूंगा कि माननीय अरुण जी वैशाख का स्वागत अभिनंदन करें। आज की ये हमारी बैठक जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी सातों मोर्चों के साथ ही 44 जिलों के सम्मानीय जिलाध्यक्ष सदस्यता अभियान के जिला संयोजक सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी इस श्रेणी की यह संगठनात्मक बैठक है। आप सभी का मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और अब हमारे प्रदेश संयोजक अरुण जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आप इस बैठक की प्रस्तावना रखें। अरुण जी भाई साहब चलो चलो भैया आज की इस सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में हम सबको सशक्त मार्गदर्शन करने वाले संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार नंदन राठौर जी हम सबको संगठन के आत्म आदेश में लगातार सक्रिय रहने का संदेश देने वाले प्रदेश के संगठन प्रभारी राज्यसभा के सदस्य कुमार राधा मोहन दास जी सदस्यता अभियान के प्रदेश के नाते से प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री कुमार ऋतुराज जी इस सभागार में प्रांत भर से आए हुए सदस्यता अभियान से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता दोस्तों सबकी जानकारी में कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की महत्ता और उसके साथ साथ संगठन के विषयों के ऊपर लगातार आग है। देश भर में लगभग 1500 के आसपास तो जैसे राजनीतिक दल चलते हैं भारतीय जनता पार्टी अकेला ऐसा दल है जो हर 6 वर्ष में सदस्यता के काम को करता है और उस हर 3 वर्ष में अपने संगठन के चुनाव की व्यवस्था को कर दिया हुआ है और इसी के तहत हमारा 2014 में सदस्यता का अभियान हुआ 2019 में आरम्भ हुआ 2024 को सदस्यता के अभियान को अपने प्रारंभ किया है। 2014 में एक अभियान प्रयोग किया था पहले अपन पंजिका के माध्यम से सदस्य बनाते थे जब अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय डिजिटल माध्यम से मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाने का शुरुआत हुई। लगातार उसको देखते हुए देश भर में 10 करोड़ सदस्य 2014 में बने 6 करोड़ बाद में 219 के दौर में हुए कुल मिलाकर 18 करोड़ जिस दिन पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई उपस्थित थे। प्रदेश में भी 183 लाख कुल बाद में 156 लाख ऐसे सदस्य दौरों दौरों बने थे। अब उसकी शुरुआत हुई है। अब पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को जो पहले से सदस्य रहा है उनको भी
सबको नए नए सदस्य सावधानी सदस्यता का ये जो पहला दौर चल रहा है इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही हमारा जो मिस कॉल का पोर्टल स्टार्ट हुआ, सदस्यता की शुरुआत हुई। चलते हुए 3 तारीख को हमने यहाँ पर इसी सभागार में प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाकर की शुरुआत की। 3 और 4 को प्रत्येक जिले में अपन ने इसी प्रकार की कार्यशाला करते हुए उसकी शुरुआत की। 5-6 में मंडलों की कार्यशाला करके उसकी शुरुआत करने का काम किया। आज इस समय बैठे हैं उसमें लगभग 6 करोड़ के आसपास सदस्य देश भर बन चुके हैं और राजस्थान में 23,70,000 सदस्य अपने अब तक के इस दौर में बने हुए सारे। मैं क्या कह सकता हूँ कि इस सदस्यता अभियान को लगातार गति देने के लिए प्रदेश में जिला स्तर की कार्यशालाएं पूरी की है, मंडल स्तर की कार्यशालाएं की है। प्रदेश में प्रत्येक शक्ति केंद्र के ऊपर हमने अपने शक्ति केंद्र के सदस्यता सहयोगों की नियुक्ति करके उनको अपने काम में लगाने का काम किया है। इसी प्रकार से 23, 24, 16, 17, 18 ऐसे 17, 18, 19 3 दिन के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को अपने इस विधान सदस्यता अभियान के नाते लगाया कि 3 दिन वहां रहेंगे और 3 दिन में प्रत्येक दिन में 10 बूथ ऐसे 30 बूथ पूरे करके सदस्यता अभियान को गति देंगे। 24 और 25 हमने सबसे आगे किया था आप सबसे कि मंडलों की बैठकें और मंडलों की बैठकों में प्रत्येक बूथ के ऊपर एक प्रभारी उसको लगाने का काम करके हम 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के दिन हम इसको गति दे करके बड़े पैमाने पर हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्य बने प्रोडक्ट को लेकर के अपने अपने काम को शुरू करने का काम किया। दोस्तों इस पूरे अभियान को लगातार बढ़ाने के लिए कई प्रयोग कई जगह पर किए। यहाँ जयपुर उत्तर में चौबूमन और एक रथ यात्रा निकाल करके सारे क्षेत्र में शहर में रथ यात्रा हुई और उसके माध्यम से बूथ बूथ के साथ इसके माध्यम से उन्होंने काम किया। अजमेर में एक जिंगल बना करके FM वीडियो के ऊपर उसको चला करके और लोगों को सदस्य बनने का आह्वान उन्होंने करने का काम किया, उसके परिणाम भी उनको अच्छे निकल करके आए। सारे प्रदेश में हमने वॉल राइटिंग करने काम किया जिसमें से लगभग 80% काम वॉल राइटिंग का प्रांत पर पूरा हुआ है। आप सबको एक निवेदन किया था कि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ये सब मिलकर के स्थान स्थान पर बैनर होर्डिंग ये सब लगा करके उसमें भी आम जन को सदस्यता से जोड़ने का काम करें। पहले चरण में हम प्रत्येक बूथ पर घर घर जाकर इस काम करेंगे, इसका अपना आग्रह था। अब आगे ये लगातार चलने वाला है उसको भी अपन गति देंगे। मुझे विश्वास है कि इस पूरी चीज को हम जहां अपन सबको अनुभव हुआ है कहां कमी है इसके बारे में जानकारी है, गति कैसे और देनी है उसके बारे में जानकारी है। तो जो कुछ प्रथम चरण का समय बचा है उस समय को पूरा समर्पित करते हुए हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी दिशा में बढ़ेंगे, ऐसा आग्रह करते हुए मैं अपनी बात को अपने निवेदन को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें और मीडिया के बदलों के लिए सूचना है माननीय प्रदेश अध्यक्ष के उद्बोधन के पश्चात आपको बिना आगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी का आज हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी साहब विराजमान है, उनसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे साथ में हमारे सदस्यता अभियान के राजस्थान के प्रभारी आदरणीय ऋतुराज जी सिन्हा साहब, हमारे प्रदेश के सदस्यता अभियान के संयोजक आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल और यहाँ विराजमान आदरणीय मोतीलाल जी मीणा साहब और संगठन के सभी राजस्थान के पदाधिकारीगण और विभिन्न जिलों से आए हुए सदस्यता अभियान के संयोजक और संगठन के कार्यकर्ता बंधु बहनों, सदस्यता अभियान अभी जो चल रहा है उसमें राजस्थान में बहुत उत्साह है ये हमको देखने को मिला। मैं दो एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि कल रात को जब हमारे
राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे, उस समय हम रेलवे स्टेशन पर गए थे तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हमको देख करके और कोई व्यक्ति मुस्कुराया तो हमने उनसे बात करी। हमने उनसे कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, तो वो एकदम से तैयार हुए और एक साथ कई लोग आकर के और सदस्य बनने के लिए अपना अपना मोबाइल लेकर के हमारे सामने आ गए। हम अरुण जी भी साथ में थे, हम सबने ये देखा कि कितना उत्साह राजस्थान में आम नागरिकों के मन में है। मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था तो रास्ते में एक ढाबा है, टिकट ढाबा, वहाँ हम गए और मुझे उनको नहीं मालूम था कि वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन हमने उनसे कहा मैनेजर से कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, उन्होंने तुरंत कहा हाँ हाँ मैं बनना चाहता हूँ, आप मुझे सहयोग करना। और हमने सहयोग किया तो फिर जब पता चला कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो वहाँ खाना खाने वाले भी उठ के आ गए और वो भी खाना छोड़ करके हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए तैयार हो गए। कि हमारे साथ के जो कार्यकर्ता उन सबको ये पता है, कल हम एक रेलवे प्लेटफॉर्म वो फाटक बंद थी तो वहां पर भी कोई मोटरसाइकिल से परिजन आ रहे थे, हमने उनसे कहा तो वो भी सदस्य बनने के लिए उतावले थे और जितनी देर फाटक बंद हुई तब तक हमने उनको सदस्य बनाया। राजस्थान में बहुत उत्साह है, प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, हमें संपर्क करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करना है। और इसी निमित्त हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हमारे बीच में पधारे। ये बने क्यों नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे देश में किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही है, किस प्रकार से विपक्ष हम पर और भ्रम पैदा करने के लिए हमारे बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है, विपक्ष किस प्रकार से और अनियंत्रित राजनीति कर रहा है, ऐसा अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से रेल की पटरियों के आगे और स्लैब रख दिए जाते हैं। मैं आदरणीय डीएल संतोष जी साहब से निवेदन करूंगा कि मेरे राजस्थान में 14 ऐसी घटनाएं हो गई कि रेल की पटरी के आगे सीमेंटेड स्लैब रख दिए जाते हैं, इन्हें अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है। अभी हम उदयपुर में गए, उस बालक से मिलने, उस बालक के परिवार से मिलने के लिए गए, उस बालक का कोई दोस्त नहीं था, वो बालक एक शिवजी का स्वामी किए हुए था और वो उस दिन जिस दिन हम और घर घर तिरंगा लहराने का काम कर रहे थे, उस बालक ने अपनी कॉपी में तिरंगा झंडा और उसका चित्र बनाया। केवल उसका यह अपराध था कि उसके सहपाठी ने उसको चाकू मार दिया